मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डीडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज में विकास शुल्क के नाम पर अवैध रसीदें छपवाकर विद्यार्थियों से हजारों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने न केवल विद्यार्थियों से फर्जी रसीद के माध्यम से रुपए ठग लिए, बल्कि जो फॉर्म कॉलेज में जमा करवाने थे उन्हें भी जमा नहीं करवा कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मामला सामने आने के बाद छात्र संगठनों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों से समझाइश करने का प्रयास किया। इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ जांच करने व कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। डीडवाना नेतृत्व में प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया, उसमें हमारी मुख्य मांग यह थी कि जो अभी एग्जाम फॉर्म जमा हो रहे हैं रेगुलर और प्राइवेट और रेगुलर के, उनमें प्राइवेट की 280 विकास शुल्क कटती है रसीद, जो किसी कोई अज्ञात युवक के द्वारा फर्जी बनाकर रसीद कॉपी और उसके द्वारा काटकर कम से कम 300-400 छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। फर्जी रसीद उनको थमा दी गई, 300-300 रुपये ले लिया गया और डॉक्यूमेंट उनके अभी भी कॉलेज में जमा नहीं हुए, तो उनके साथ गलत हुआ है। इन मांगों को लेकर हमने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे किसी भी पार्टी का या कोई भी हो, किसी भी कॉलेज का हो चाहे बाहर का हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी द्वारा अजय शर्मा को तहसील इकाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। ब्राह्मण समाज जिला महामंत्री सुरेश शर्मा राहुवास ने कहा कि युवा ही समाज में नई क्रांति का संचार कर सकते हैं। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष अजय शर्मा ने समाज बंधुओं का आभार प्रकट किया। रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग पिपलोदा द्वारा मांगलिक भवन बाराखेड़ा में वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया गया, जिसमें 180 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, जबकि दूसरे डोज के वैक्सीनेशन में 20 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों ने वैक्सीनेशन कार्य में सहयोग किया। राजलदेसर क्षेत्र में काफी इंतजार के बाद अच्छी बारिश देखने को मिली। करीब 45 मिनट तक जोरदार बारिश से कस्बा जलमग्न हो गया। कई निचले हिस्सों के घरों में पानी भर गया। अच्छी बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिलते नजर आए। आमजन को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश के कारण कई दुकानों में पानी भर गया। नगर प्रशासन पानी की निकासी में लगा हुआ है। खीवसर उपखंड मुख्यालय पर पुलिस थाना परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। थानाधिकारी जसवंत देवरलिया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ये जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान नागौर डिप्टी विनोद कुमार सीपा भी मौजूद होंगे। इस जनसुनवाई में ग्रामीण थाने से संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। खीवसर में केंद्र की महती योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम जल व स्वच्छता समिति का एक दिवसीय प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यक्रम ग्राम पंचायत नागरी के सरपंच बलदेव राम सोऊ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नागरी सरपंच बलदेव राम द्वारा समिति सदस्यों को टीम वर्क से काम करने व अधिक से अधिक लोगों को सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान जल संरक्षण के लिए संकल्प लिया गया। रतलाम में प्रदेश के स्थानीय निकाय व विकास राज्य मंत्री व रतलाम जिला प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने सर्किट हाउस पर आम नागरिकों, गणमान्य जनों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रभारी मंत्री का उपस्थित जनों द्वारा स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री भदौरिया ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आगे के कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रतलाम जिले में नल जल योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने किसानों को खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून बनाने की अभी हमारी कोई प्रक्रिया या मंशा नहीं है। हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती है। मध्य प्रदेश में हम जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पर कोई कानून लाने का हमारा भी विचार नहीं। कोटा में युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार में घोटाले की आशंका को देखते हुए निष्पक्ष जांच की व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि राजस्थान में यह पहली घटना नहीं है जब वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा अपने मंत्रियों व नेताओं के पुत्र व रिश्तेदारों को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लाभ पहुँचाया गया हो। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा आरएस के अंदर जिस प्रकार से साक्षात्कार के अंदर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा के पुत्र और उनके रिश्तेदारों को घोटाला करके जिस प्रकार से चयनित किया गया है, ये राजस्थान की इतनी बड़ी परीक्षा के ऊपर सवाल खड़ा करता है और इससे राजस्थान के
हजारों उन युवाओं का भविष्य अंधकार में आ गया है जो लगातार कई वर्षों से इस परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार हमेशा युवा विरोधी रही है, युवाओं को चाहे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखा देना हो, चाहे नौकरियों में अपने परिचितों को सत्ता और पद का लाभ देना हो, अगर इसी प्रकार से नेता अपने सत्ता और पद का लाभ देकर अपने परिचितों, अपने पुत्र रिश्तेदारों को नौकरियों में भर्ती कराते रहे तो आम राजस्थान के युवा का क्या होगा। आज हमने राज्यपाल महोदय से इस विषय की निष्पक्ष जांच की मांग की है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे राजस्थान के युवा को न्याय मिल सके। अन्यथा आने वाले समय पर राजस्थान का युवा, कोटा का युवा इस जो लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर होगा। बाड़ी क्षेत्र में अब हर कोई कोरोना से बेफिक्र नजर आ रहा है, साथ में मास्क का चलन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहां तक कि सामूहिक आयोजनों में भी नियमों की पालना नहीं हो रही, इन आयोजनों में भी अब मास्क गायब हो गया है व सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की जा रही। वहीं गाइडलाइन की पालना कराने वाले जिम्मेदार भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। शहर में व्यापार वर्ग की एक बैठक आयोजित हुई जहां भी लापरवाही देखने को मिली, जबकि इस बैठक में शहर के अधिकांश व्यापारी मौजूद थे। नागौर जिले के कुचामन सिटी कस्बे के ग्रामीण इलाकों में आसमान से राहत की बूंदें बरसी। बारिश ने किसानों को काफी राहत पहुंचाई। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसान झमाझम बारिश को देख झूम उठे। साथ ही गर्मी व उमस की मार झेल रहे लोगों को भी बारिश से राहत मिली। क्षेत्र में किसानों द्वारा बोई गई अगेती, बाजरा, ग्वार, मक्का, मूंगफली सहित अन्य फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन बारिश से फसलों को जीवन दान मिल गया। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने पर किसानों द्वारा बोई गई फसलों के नुकसान को लेकर किसान काफ़ी चिंतित थे। आखिरकार मौसम ने किसानों पर मेहरबानी कर दी। कहीं पर जोरदार तो कहीं पर रिमझिम बारिश के फुहारों ने किसानों को राहत प्रदान कर दी। फसलें सूख रही थी, उनको संजीवनी मिल गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।